أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture, I will let you know about 12 tips to improve your speaking skills. आपको पता है कि हर कोई अपने आप को एक अच्छा स्पीकर प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा स्पीकर बनने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए. मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद भी हो जाएंगे, और मैं आपसे यूँ भी उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने प्यारों के साथ शेयर भी करेंगे. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड. पहला जो बुनियादी असूल है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अपना बुनियाद मजबूत रखें. तो इसके लिए जो ना चार टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि एक्सपेंड योर वोकेबलरी. आपकी वोकेबलरी जितनी ज़्यादा होगी, आपकी स्पीकिंग स्किल ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. नंबर टू, इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन. आपने एक लफ्ज़ का इजहार कैसे करना है, अपने प्रोनंसिएशन पे तवज्जो दे दे. आजकल तो इंटरनेट पे ऑनलाइन डिक्शनरीज दी हुई है, आप इस पर एक वर्ड लिखे और आप उसे प्रोनाउंसिएशन, आप उसे अगर उस पर क्लिक करें कि प्रोनाउंस दिस वर्ड, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोनाउंसिएशन इससे बेहतर हो जाएगी. या आप स्पीकर से सुने, या ड्रामा में, या फिल्मों में, या इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री से आप प्रोनाउंसिएशन अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं कि मैं इस वर्ड को कैसे मतलब देखता हूँ और इसकी एक्सप्रेशन कैसे होनी चाहिए. लर्न द नेचुरल फ्लो ऑफ इंग्लिश. आपको पता है कि जब तक आप नेटिव लैंग्वेज को नेटिव लोगों से नहीं सुनेंगे, तो आपकी अंग्रेजी की जो फ्लो है उस तरह बेहतर नहीं हो सकती है. तो आपने नेचुरल फ्लो इंग्लिश में लाना है. बिल्ड इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस. आप अपने आप को कॉन्फिडेंस करें, जब भी आप बोले गले से बोले, क्योंकि ये आपको पता है सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग तो है ही नहीं. तो बोले गलतियाँ शुरू में हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इम्प्रूव करेंगे. टेक्निक्स टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये सेकंड पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का. स्पीच शेडोइंग. स्पीच शेडोइंग किसे कहते हैं? रिपीटिंग द टेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर लिसनिंग इट. जब भी आपकी वर्ड सुने, इसको आप रिपीट करें. मिसाल के तौर पर आपने प्रोबेबली एक वर्ड सुना है, तो आप इसको रिपीट कर अपने से प्रोबेबली, या आपने कोई ऐसा वर्ड ओपिनियन, तो आप देखिए ओपिनियन अपने साथ बोलें. तो लिसनिंग के बाद आपको इमिजिएटली रिपीट करना, इसे क्या कहते हैं? स्पीच शेडोइंग. फिर कहते हैं सेल्फ टास्क. अगर आप अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कराना चाहते हैं, तो अपने साथ बात करें, कोई भी जो आपको आते हैं आप अपने साथ बोलें. फिर थर्ड जो इसका बुनियादी असूल है, वो है थिंक इन इंग्लिश. आपने जो कुछ, चूंकि आपने अंग्रेजी पे मेहनत करनी है, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कराना है, तो आप हर वक्त अंग्रेजी के अखबार पढ़े, अंग्रेजी की बुक पढ़े, अंग्रेजी फिल्में देखें, अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्री देखें. तो थिंक इन इंग्लिश. रिटेल अ स्टोरी इन इंग्लिश. आपने जो भी स्टोरी मतलब टीवी पे देखी, या अखबार में देखी, या आपने स्टोरी किसी फिक्शन बुक में पढ़ी हुई, तो आप दोबारा कोशिश करें कि इसको एक्सप्रेस करें अंग्रेजी में. जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, यानी रिटेल करेंगे अंग्रेजी में, तो आपकी स्पीकिंग स्किल इससे अच्छी खासी बेहतर हो जाएगी. ये जो थर्ड फाउंडेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीकिंग इम्प्रूव करने की, वो ये है कि पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग इवेंट. आप ऐसी पब्लिक इवेंट में जाए जहाँ पे नेटिव लोग आए हुए, वो आपको डिलीवर करना चाहते, तो आप ऐसे मजालिस में अपने आप की जिन्हें शिरकत यकीनी बनाएं, तो आप ये स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं. गो टू लैंग्वेज कैफेज. इससे मुराद ये कि अगर आप बाहर की किसी दुनिया में रह रहे, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, गपशप, जैसे हमारे यहाँ हुजरा सिस्टम होता है, बैठक सिस्टम होता है, ऐसी जगह पे जाएं यहाँ पे अंग्रेजी बोल चाल ज़्यादा हो. या अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिलती, तो इन अदर वर्ड्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, गो टू इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर. वहाँ पे लोग स्पीक करते हैं, तो एनवायरनमेंट ऐसा बना होता है जिससे आप अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं. इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, वो है यूजिंग एप्स. कुछ लोग आजकल एप्स भी इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईफोन पे, इवन कंप्यूटर पे, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐसे एप्स डाउनलोड करें जिससे आप अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. कुछ मिसालें मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किए, उमो स्पीच टूल्स, वर्चुअल स्पीच, रेटोरिक एट्सेट्रा. ये ऐप आप जो ही डाउनलोड करेंगे, इसमें स्पीकिंग की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. नंबर चार जो ऑप्शन है, चैट विद सीरी और गूगल असिस्टेंट. अगर आपके पास आईफोन है, तो उसमें एक सीरी एप्लीकेशन आई हुई, आपने जो भी बोलना है रिटर्न में आपको वो जवाब दे देती है कि हाय सीरी, वेयर इज़ द वाटसन,
इन ब्लू एरिया, सो ऑटोमेटिकली आपको बताएंगे कि फ्ला नंबर जगह पे, फ्ला नंबर स्ट्रीट में, फ्ला नंबर मोहल्ले में, या गूगल असिस्टेंट से भी आप ये हेल्प ले सकते हैं। तो आज के चंद टिप्स थे स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी, और अच्छी लेक्चर देखने के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, और लोगों के साथ जो है ना अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।